आपका ईमान जिंदा है इसका हम दलील दे। पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ का अपमान करने वालों को तुरंत गिरफ्तार करें। सभी मुस्लिम भाइयों द्वारा आक्रामक मौन मार्च का आयोजन किया गया। मजाक गोलगांव थाड़ी अहमदनगर जिले के कोपर गांव में मस्जिद में अवैध रूप से प्रवेश कर पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ का अपमान करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के लिए येवला का मुस्लिम समुदाय आक्रामक हो गया। पट्टी बांधकर विरोध जताया गया और हाथ में तिरंगा भी लिया गया। घटना के इतना समय बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने अच्छा पवेटो को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की और न ही कोई आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। इस घटना का मुस्लिम समाज सार्वजनिक रूप से विरोध कर रहा है और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसके लिए नायब तहसीलदार मगर मैडम पुलिस इंस्पेक्टर नंद कुमार कदम को बयान दिया गया। बोलो। हम लोग यहाँ पर जमा हुए थे पुलिस प्रशासन और सिविल के अंदर। हम लोग ने यहाँ पर अपील पेश की है कि जिन लोगों ने ये हरकत की है कुरान को मुकद्दस के साथ, उनको जो है तो उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए और मुल्क की सालमियत की हिफाजत की जाए, ताकि कोई शख्स भी हमारे हिंदुस्तान का, भारत का, किसी भी धर्म के ऊपर, किसी भी धर्म गुरु के ऊपर या किसी भी धर्म स्थल के ऊपर वो अपनी कार्रवाई या कोई ऐसी हरकत ना कर सके और उसकी साजिश और उसकी कोशिश ना कर सके। ये सारे इंसानों को जो है तो भारतवासियों को ये मैसेज अगर जाए कि अगर हमारे तरफ से कोई अगर गलत हरकत होती है, कोशिश होती है, तो ये हमारे मुल्क का भी नुकसान है और इससे हमारे देशवासियों का भी नुकसान है। ये प्रशासन से हमने ये अपील पेश की है। हम उम्मीद करते हैं कि इस पर हमको जो है तो हमारी उम्मीद को पूरा किया जाएगा। ओके। देखिए, अभी हम लोग यहाँ हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद में तहसीलदार मैडम और पुलिस डिपार्टमेंट के एसआई साहब यहाँ मौजूद हैं। इनके हाथों में हमने एक मेमोरेंडम दिया। वो बात ये है कि कोपरगांव के अंदर एक छोटे से खेड़े गांव में कुरान मुकद्दसा की बेहरमती की गई, जिसके लिए हमने प्रशासन से ये डिमांड किया कि ऐसे लोगों को जो हिंदुस्तान के सालमियत को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं, हिंदुस्तान के भाईचारे को ख़त्म करने के लिए आमादा हैं, ऐसे लोगों को पकड़कर आप सख्त से सख्त सजाएं दें और किसी भी धार्मिक स्थल या धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक गुरु के ऊपर कोई ऐसी आपत्तिजनक बात होती है तो लिहाजा पूरे हिंदुस्तान के, पूरे भारत के लोगों से गुजारिश है, जहाँ भी पुलिस डिपार्टमेंट हैं उन तमाम लोगों को ये बात पहुंचा देना चाहता हूं कि ऐसा कोई अगर माहौल ख़राब करने की कोशिश करता है तो हिंदुस्तान की सालमियत को बरकरार रखने के लिए, हिंदुस्तान के गंगा जमुना तहजीब को आबाद करने के लिए ऐसे जालिमों को सलाखों के पीछे डालकर और हिंदुस्तान को अमन अमान अता कीजिए। ना कि अगर ऐसे लोग छूटे रहे तो याद रखना हिंदुस्तान का अमन अमान बर्बाद हो जाएगा। जलेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।